मुख्यमंत्री के निर्देश पर 31 जुलाई तक गांव स्तर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा तथा 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रदेश के 75 जनपदों के 750 ग्रामों के 3750 सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता पर सर्वेक्षण कराया जाएगा, जिसमें विद्यालय, आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाजार, धार्मिक स्थल व अन्य महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में गांवों का चयन करके वहां विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा तथा जिले में लगभग 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया, सर्वेक्षण ग्रामीण 1 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है, तो इसे स्वच्छता सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्र का अभी खत्म हुआ है, उसी के हिसाब से जो कितने जनपद हैं भारत में, करीब 660 जनपद, मतलब जनपद है, जनपद का रैंकिंग होता है, रैंकिंग के हिसाब से वो स्वच्छता का रैंकिंग होता है, उसी के आपस में कंपटीशन होता है, उसी के हिसाब से नियम नीति बनाता है। उसके लिए तो सर्वेक्षण हम लोग का 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलने वाले हैं। हर गांव में उसी हिसाब से सर्वे होगा, हर जनपद का सर्वे होगा, हर प्रदेश के सर्वे होगा, उसी हिसाब से रैंकिंग निकलेगा। हम लोग ये बृहत सफाई अभियान आज से चालू कर रहे हैं। आज एक ब्लॉक जा रहा हूँ, हम तो कोराबार जा रहा हूँ अभी, वहाँ दो सफाईकर्मी सबको टीम लगा करके हम लोग हर गांव में सफाई टीम के जरिए से चालू कराएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं जो JEE का जो बीमारी का खिलाफ इस समय में 2 अभियान चल रहा, उसके साथ साथ जोड़ देंगे, और पॉलीथीन प्लास्टिक बैग के खिलाफ जो अभियान अभी चालू है वो भी उसके साथ साथ एक हिस्सा के रूप से होगा। वो सब मिलके एक बृहद अभियान के तौर से हम लोग अभी चालू करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 26-27 को आएंगे, उनके हाथ से कुछ वृक्षारोपण भी कराने वाले हैं। करीब तो इस बार गोरखपुर का टारगेट 12 लाख पौधा लगाने के लिए, पूरा प्रदेश में 9 करोड़ पौधा लगाने के लिए संकल्प लिए हैं। उसी के हिसाब से हम लोग गोरखपुर में 12 लाख का लक्ष्य मिला है, 12 लाख हम लोग 15 अगस्त तक कराएंगे। 15 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम होगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।